Hello and welcome to Phoenix User Care. Welcome to this video. So in this video, I will share the 10th Maharashtra Support Geography Practice Paper. So the paper is for 40 marks and you are aware of the paper pattern. So I have designed this question paper. I have set this question paper. You can download this paper and you can solve this question paper. Okay. Geography is very easy. ज्योग्राफी बहुत इजी होता है, जैसे आपको पता है कि उसमें कुछ ब्रीफ आंसर टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम लिखना होता है, बाकी आपका जो नॉलेज है ज्योग्राफी का वो अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं और स्कोर करना काफ़ी इजी होता है उसमें, 30 प्लस तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस पेपर विल बी हेल्पफुल टू यू। सो जैसे कि पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि आपको ये सेंटेंस क्वेश्चन दिया हुआ है या फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें से चारों में से एक ऑप्शन चूज करके आपको लिखना है, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी आर मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड, ये रॉन्ग है। कोरल आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड, कॉन्टिनेंटल आइलैंड, सो करेक्ट आंसर इज कोरल आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान के जो आइलैंड्स है वो कुछ आइलैंड्स वॉल्केनिक आइलैंड्स है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कोरल आइलैंड्स। द ऑर्डर ऑफ प्लाटूज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अभी नॉर्थ से साउथ देखे कौन से प्लाटूज है, नॉर्थ में कौन सा प्लाटू आता है, साउथ में कौन सा आता है, वो आपको लगाना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में देखोगे तो देखो ये कौन सा ऑर्डर सही है बताना है आपको, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, तो कर्नाटका तो महाराष्ट्र के नीचे आता है तो नॉर्थ टू साउथ में तो नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़, तो सॉरी क्वेश्चन है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ आपको लगाना है, मतलब नीचे कौन सा प्लेटू है उसके ऊपर ऊपर कौन से जाते हैं ये आपको लगाना है, ठीक है। छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़, तो ये गलत है, छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़ गलत है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़ एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, तो साउथ टू नॉर्थ अगर आप लगाते हो तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़ ये गलत है, छोटा नागपुर ये गलत है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड ये सही है, नीचे कर्नाटका आएगा उसके बाद महाराष्ट्र आएगा उसके बाद बुंदेलखंड प्लाटू आएगा, तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन दैट ऑफ ब्राजील ड्यू टू लो नेशनल इनकम, मैसिव पॉपुलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है मैसिव पॉपुलेशन, ठीक है। ये बिग फैमिली साइज ये सब छोड़ दो, लो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ये छोड़ दो, उसका करेक्ट आंसर था मैसिव पॉपुलेशन। विद रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राजील डैश एनिमल इज नॉट फाउंड इन ब्राजील, तो कौन सा एनिमल ब्राजील में फाइंड नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है लायन, लायन ब्राजील में नहीं है, ठीक है। मैच द पेयर मैसन राम और इसमें से देखना है आपको, तो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है रोका, रोका क्या है शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन ब्राजील, हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट क्या है देखो साल, खेजड़ी, इसमें से आपको चूज करना है तो साल आएगा करेक्ट आंसर। खेजड़ी मतलब क्या, जहाँ कम रेनफॉल होता है वहाँ खेजड़ी के ट्रीज होते हैं, जैसे कि जो डेजर्ट वाला एरिया है उस टाइप के एरियाज में, या रेनफॉल जहाँ लो होता है। बरौनी पेट्रोल रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो ऐसे आपको ये मैच द पेयर कंप्लीट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू लिखना है आपको, वाटर ट्रांसपोर्ट इन ब्राजील एंड गंगा रिवर, गंगा और ब्राजील, अमेजॉन ब्राजील में आता है और गंगा रिवर इंडिया का है, उसके बीच में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस है वो आपको लिखना है। हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुला ड्रेनेज, हिमालयन ड्रेनेज मतलब क्या, हिमालय का जो रिवर्स है, पेनिनसुला ड्रेनेज मतलब क्या, पेनिनसुला के जो रिवर्स है उसके बीच में डिफरेंस आपको लिखना है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स फेस बाय ब्राजील एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, आप लिख सकते हो। आईएसटी एंड बीआरटी, आईएसटी मतलब क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बीआरटी मतलब क्या जो ब्राजील का स्टैंडर्ड टाइम है, उसके बीच में जो डिफरेंस है टेक्स्ट बुक में दिया है वो आपको लिखना है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये चार पांच चीज़ दिया है मैंने, पांच जगह का नाम दिया है, वो आपको मैप में मैप करना है, मैप में प्लॉट करना है। लायंस हैबिटेट इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन ज्योग्राफी में कभी कभी पूछते नहीं है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा देखो, लायंस हैबिटेट फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, अभी आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसके बाद ही आप जाके वहाँ प्लॉट कर सकते हो, यहाँ वो मार्क कर सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, तो गुजरात आपको मार्क करना है। कांडला पोर्ट, ये भी गुजरात के जरिए आता है। सुंदरबंस, ये आता है बंगाल के या उस साइड में आता है। छोटा नागपुर प्लाटू ऑन मैप, छोटा नागपुर प्लाटू कहाँ आएगा, ये झारखंड और वो जो एरिया है बिहार वाला, वो सॉरी झारखंड छत्तीसगढ़ वो वाला एरिया किधर आता है। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, अभी सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया पूछा है तो ये क्या आएगा, मेनलैंड इंडिया नहीं बोला है, मेनलैंड इंडिया में क्या आएगा, कन्याकुमारी आएगा। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया पूछा तो क्या आएगा आपको, करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार के जो निकोबार आइलैंड्स है उसका जो लास्ट वाला आइलैंड है उसे मार्क करना है आपको, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन अ गिवन बेसिस ऑफ मैप, ये मैप दिया है, सॉरी मैप दिया है ब्राजील का, मैप के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे हैं आपको, वो क्वेश्चंस का आंसर आपको मैप में ही मिलेगा, आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस है और ये दो क्वेश्चंस है। गिव रीजन, व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में फ़र्क क्या है, तो ईस्टर्न कोस्ट क्या है, वेस्टर्न कोस्ट क्या है, कंटिन्यूस है, ईस्टर्न कोस्ट में
गैप गैप्स है बीच बहुत सारे, वेस्टर्न कोस्ट का हाइट्स कंपैरेटिवली ईस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा है, ये सब आपको लिखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई इन गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स में क्यों पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, सबसे बड़ा रीज़न है कि वाटर ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ, जो अच्छा जो लोगों को पानी चाहिए रहता है बाकी सब चीज़ों के लिए, घर में जो काम करने के लिए या फिर ड्रिंकिंग वाटर वो सब वहाँ से सब मिल सकता है, और फ्लैट लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उसके बाद वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छा है, तो उसके वजह से वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। स्नोफॉल डजेंट ऑलवेज ऑकर इन ब्राज़ील, इसका रीज़न क्या है आपको लिखना है। तो ये ब्राज़ील क्या है, एकदम हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया नहीं है ब्राज़ील में, क्योंकि हाइट पे ज़्यादा जाओगे तो स्नोफॉल वगैरह होगा, ऐसा ब्राज़ील में कोई जगह नहीं है। ब्राज़ील का क्या एरिया पूरा इक्वेटर के पास थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। स्नोफॉल डजेंट ऑकर इन ब्राज़ील, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो उस टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिख सकते हो। इन ब्राज़ील मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया, अब इसका रीज़न क्या है आपको पता है कि वहाँ सब इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, वहाँ सेटलमेंट्स अर्ली जो सेटलमेंट्स आए थे वहीं हुए थे, उसके वजह से वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अंदर वाला जो पार्ट है ब्राज़ील का वो डेवलप्ड ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ए डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज हैज़ बीन डेवलप्ड इन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, अगेन वहाँ फ्लैट लैंड है, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये सब रीज़न है कि वहाँ रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है, वहाँ लोग भी ज़्यादा है तो लोग यूज़ भी करेंगे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। देयर इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राज़ील एंड इंडिया, तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों में मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि वहाँ गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें चलाता है और प्राइवेट वाले भी कुछ चीज़ें चलाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट, ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये सेकेंड थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, फील्ड विजिट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको पता होता है कि फील्ड विजिट से हम वहाँ जाके सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं ज्योग्राफिकल जो भी कंडीशंस होते हैं, या फिर वो जो भी चीज़ ज्योग्राफी में सीखना होता है आपको, वहाँ जाओगे तो आप जाके एक्चुअली सीखोगे, देखोगे। बुक्स में सीखना और फील्ड विजिट में सीखना अलग होता है। हिमालयन वेजिटेशन, हिमालयाज के जो वेजिटेशन है या हिमालय में जो भी फॉरेस्ट वगैरह सब प्लांट्स है उसके बारे में लिखना है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या, सैटेलाइट या इंटरनेट ये सब आता है। विच आर द मेजर वाटर डिवाइड्स ऑफ इंडियन डिवाइड्स ऑफ इंडिया, गिव एग्जांपल। वाटर डिवाइड मतलब क्या होता है, देखो सपोज ये एक माउंटेन है, इसके एक साइड कुछ रिवर्स है और इसके एक साइड कुछ रिवर्स है, तो माउंटेन को बोलते हैं वाटर डिवाइड। मतलब इंडिया में जो अगर आप देखोगे तो हिमालयन माउंटेन्स है वो एक वाटर डिवाइड है, उसके बाद दूसरा आता है वेस्टर्न घाट्स है वाटर डिवाइड है, ऐसे बहुत सारे वाटर डिवाइड जो माउंटेन्स है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आंसर इन डिटेल, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट इन डिटेल अबाउट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राज़ील इन इंडिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंपैरेटिवली इजी भी क्वेश्चन है। इंडिया का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि इंडिया में पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, सब लिखना है। इसको अच्छा डिफरेंस बिटवीन करके मत लिखो, अगर आपको ऐसा नहीं जमता तो इंडिया के बारे में लिखो, उसके बाद ब्राज़ील के बारे में लिखो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देन ये मैप जो मैंने बताया था कि मैप जो भी मार्क करना है, तो ये आप इसमें से इसका अगर आपको जमता है तो प्रिंट आउट ले लो, या फिर आप आपके पास वो मैप हो तो उसमें से आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, मैप मार्किंग देखो, मैप मार्किंग करो, उसके बाद उसका आप इंडेक्स वगैरह सब बनाओ। मैप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है। आई होप दिस क्वेश्चन पेपर विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू हैव अंडरस्टूड एंड इफ यू हैव लाइक दिस क्वेश्चन पेपर, यू कैन गिव अ लाइक एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।